कंपनी चैनल ए टू जेड हार्डवेयर वर्ल्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप पीछे का व्यू देख के समझ ही गए होंगे कि किस चीज की दुकान है, पर यहाँ पर हम आप सर से पूछेंगे कि इनके यहाँ पर क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले सर ये बताइए, आपकी फर्म का नाम क्या है? चिराग प्लाईवुड। सर कहाँ पर स्थित है ये? उज्जैन, मध्य प्रदेश में, निकास चौराहा। और सर बता सकते हैं आपके यहाँ पर क्या क्या मिलता है? पहले आप यहाँ से एक्सप्लेन करके बताएंगे। मेरे पास जो फर्नीचर के हिसाब से पूरा मटेरियल मिलता है होम डेकोर के लिए। अच्छा सर, ये प्लाई के बारे में बताइए ना, यहाँ से बताते चलिए ना। अपने पास सभी तरह की प्लाई मिलेगी, लोकल से लेके तो वाटर प्रूफ तक के हर वेराइटी में। अच्छा सर, ये प्लाई और इस प्लाई में सबसे पहले बताइए प्लाई कितने एमएम से कितने एमएम तक के आपके पास मौजूद है? प्लाई 6 एमएम से लेके तो 18 एमएम तक के मौजूद है, और उसके बाद फिर 25 एमएम भी मिल अवेलेबल है। बोर्ड आएगा 25 एमएम में, और 30 एमएम फ्लश डोर जो आते हैं दरवाजे रूम के हिसाब से वो भी मिल जाएंगे। अच्छा सर, ये जो गर्जन लिखा है 100%, ये प्लाई कितने एमएम की और किस क्वालिटी की है? मतलब ये 18 एमएम की, और ये मिक्स गर्जन है। मिक्स गर्जन है तो सर ये गर्जन किस हिसाब से चलता है? मतलब मिक्स गर्जन आप बता रहे हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इसको, कहीं फर्नीचर में किसी भी तरह से पलंग वगैरह, सोफे वगैरह, दरवाजे की चौखट वगैरह, किचन वगैरह, हर चीज में ये यूज होता है। अच्छा, और उसके बाद सर ये आगे बात करें तो ये प्लाई, ये 16 एमएम की प्लाई है, इसमें आप फर्नीचर बना भी सकते हो, और ये पलंग में ज्यादातर बिछात में चलती है पलंग के हिसाब से। अच्छा, बेड वगैरह के। और सर ये जो है ये बिल्डर की प्लाई है। बिल्डर की प्लाई का मतलब क्या होता है? बहुत जगह बिल्डर के वुड भी सुने हैं, बिल्डर की प्लाई का एक बार आप बताइए ना कि बिल्डर को कि बिल्डर की प्लाई किस लिए? बिल्डर का जो ये जो बिल्डर की प्लाई है सबसे हार्ड मटेरियल है। सबसे हार्ड मटेरियल? हाँ, ये मटेरियल ऐसा है कि अगर आपने ये यूज कर लिया तो जो मार्केट में अभी 2500-3000 की जो प्लाइयाँ चल रही है वो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर ये जो रेड कलर की प्लाई है इसे क्या कहते हैं? ये सेंटरिंग प्लाई है। ये सेंटरिंग की प्लाई है, जैसे मकान वगैरह के छत में लगती है प्लाई, छत बहुत भराती है तो उसके लिए। इसमें 3 वेराइटी आती है, एक 25 किलो में आती है, उसके बाद 30 किलो आती है, उसका 34 किलो आती है। 34 किलो? हाँ, किलो से चलती है इसका रेट या फिर ये फीट? प्लाई फीट किलो से आती है, पर इसका जो रेट रहता है वो फीट के हिसाब से आता है। फीट के हिसाब से? हाँ। तो सर रनिंग फीट होता है या स्क्वायर फीट होता है? स्क्वायर फीट होता है। और ये प्लाई का जो साइज होता है वो ये 8x4 का आता है। ये 8x4 का, और जो आपने पहले जो प्लाई दिखाई है उसका? उसमें सब साइज अवेलेबल, उसमें 3 साइज आती है, 8x4, 6x4, 6x3। और सर ये जो इधर रखी हुई है ये जो प्लाई है ये रखा हुआ, ये माल ये बाज बल्ली, ये मायका है और बाज उधर है। तो सर ये आपका बांस का भी काम है यहाँ पर, झाड़ू टोकरी और ये सब है? ये तो बांस वगैरह जैसे क्या है कि सब चीज में यूज होता है। तो दोस्तों इनके यहाँ पर टिम्बर का काम भी होता है, जो बांस बल्ली है उसका काम भी होता है। तो इसमें भी कैसे साइज वगैरह चलते हैं क्या सर? हाँ, इसमें 10 फीट 12 फीट 15 फीट तक के। मोटाई वगैरह सेम ही आती है क्या? नहीं, मोटाई वगैरह इसमें 1/2 इंची 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची 2.5 इंची तक आता है, 3 इंची तक आता है। और सर ये जो झाड़ू पड़ी हुई है आपके यहाँ पे? झाड़ू तो अपने थोक का ये है। अच्छा, ये मतलब थोक के अंदर है, तो ये आप एक दो झाड़ू नहीं बेचते हुए, मतलब पूरा बंडल बना हुआ। कितने पीस की पैकिंग है सर ये? इसमें 50 नग की पैकिंग आती है सर। एक एक, एक रेट क्या है काढ़ी वाली झाड़ू का? जैसे इसमें लूज माल अगर अपन लेते हैं तो लूज माल 500 ग्राम का आपको पड़ेगा 45 रुपये। 45? हाँ, और अगर इसमें अगर आप तैयार माल लेते हैं बिल्कुल कम्प्लीट ए टू जेड तो ये आपको हमारे यहाँ 80 रुपये बिक्री का है, तो आपको 60 रुपये में पड़ेगा। मतलब ये 80 रुपये बिक्री का, ये होलसेल रेट जो 45 रुपये 60 रुपये जो बताया है वो होलसेल रेट है, पर उसके लिए आपको पूरा बंडल खरीदना पड़ेगा। लूज माल लेंगे तो वो रेट 60 रुपये हो जाएगा 45 से, यानी 15 रुपये प्लस हो जाएंगे। तो जितना माल आप लेंगे इतने रेट कम होते जाएंगे। अब यहाँ पर सर ये टोकरियाँ वगैरह रखी, ये भी आपका होलसेल का काम है इसमें? हाँ, होलसेल का काम है। ये टोकरी किस हिसाब से आती है सर? ये टोकरी सभी काम में यूज होती है, ज्यादातर ये शादी ब्याह में भी यूज होती है। उसके अलावा अगर अपन जैसे घर में अगर लहसुन प्याज वगैरह अगर कुछ लाते हैं तो उसमें भी यूज होती है, और उसके बाद अपन इसमें और अदर सामान भी रख सकते हैं घर में यूज करने के। तो ये भी सर ये पूरा बंडल है या भी लूज मिल जाएगा? ये लूज भी मिल जाएगा और बंडल के हिसाब से भी मिल जाएगा। अगर लूज लेते हैं आप तो एक टोकरी 120 रुपये की पड़ती है, और अगर और बंडल के हिसाब से लेंगे आप तो वही टोकरी आपको 90 रुपये पर पड़ेगी। और सर ये जो फूल झाड़ू के अलावा ये जो झाड़ू है जो घरेलू इस्तेमाल में आने वाली ये झाड़ू भी आपके यहाँ? ये घास वाला झाड़ू है। हाँ। तो दोस्तों देख लीजिए, इनके यहाँ पर घास वाला झाड़ू भी मिल जाएगा। और ये झाड़ू सर किस रेट के हिसाब से है? ये भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो रेट कम आएगा? हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी में रेट कम आएगा। यूँ इसकी बिक्री 90 रुपये तक की है, और जैसे क्वांटिटी में लेते हैं तो 75 रुपये पड़ेगी। 75 रुपये पड़ेगी। हाँ।
तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी सामान है, अगर जितनी क्वांटिटी में आप लेंगे उतनी क्वांटिटी के अंदर आपको रेट कम मिलेगा, और लूज माल लेंगे तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो सर और इसके अलावा आपके पास क्या माइका का कुछ दिखा सकते हैं? जैसे आपके आगे माइका रखी हुई है, जो माइका है किस हिसाब से है ये? माइका क्या है कि 1 mm इसमें क्वालिटी आती है 1 mm और 7.2 और 0.8 और 9.2। तो और ये जो 1 mm का माल है ये मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है, तो ये आपको मात्र 600 रुपये पर शीट पड़ेगी। तो दोस्तों देख लीजिए और अच्छी माइका जो है, अगर अपन यही शीट अगर फोल्डर से अगर कैटलॉग से अगर ऑर्डर करते हैं तो इसी का भाव 1300 रुपये है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर माइका जो है वो 600 रुपये में आपको मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी की माइका मिलेगी। और सर इसके अलावा इससे कम रेट में माइका मिलती है क्या? हाँ, इससे कम रेट में फिर ना वो तो स्क्रैप वाला माल आता है, वो स्क्रैप वाला है ना, टूटा फूटा माल आता है, टूटा मोटा। और सर ये बेटन वगैरह रखी हुई है इसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। ये तो फर्नीचर के हिसाब से सभी तरह की बेटन अपने पास अवेलेबल है। इसमें क्या साइज चलते हैं सर बेटन के अंदर? इसमें 2 अप से स्टार्ट हो जाता है साइज। वो कहाँ तक के चलता है सर? 2 अप से 4 अप तक के। 4 अप तक के चलता है। हाँ, मतलब और ये जो डिजाइनर बेटन है ये भी बेटन ही है ना? हाँ। ये किस हिसाब से सर? ये फर्नीचर को खूबसूरत बनाने के लिए, फर्नीचर खूबसूरत। तो सर इसका साइज लंबा और इन बेटनों का छोटा ऐसा क्यों? ये लंबी आती है, लंबी आती है। हाँ। ये कितने फीट की बेटन है सर? ये 8 फीट की है। 8 फीट की बेटन है, ठीक है सर। तो सर आपकी फर्म का नाम एक बार बता दीजिए। चिराग प्लाईवुड। और सर कहाँ पर बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ पर? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। और सर अब आपका मोबाइल नंबर एक बार बता दीजिए। 7000249664। तो दोस्तों ये उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है, और आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा कि इनका बहुत तरह का होलसेल का काम है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।